इस पर अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, लेकिन चूंकि आईपीएल 6 का वक्त हो चला है, आपके खास कार्यक्रम का क्रिकेट की खबरें आप तक पहुंचाने का वक्त हो चला है। मास्टर ब्लास्टर के उड़ गए होश। थैंक यू। एक लड़की ने कैमरे पर किया प्रपोज। सचिन की सिट्टी पिट्टी गुम। थैंक यू। क्रिकेट के भगवान के गले पड़ी लड़की। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने नहीं डरे हुए थे, लेकिन मुंबई में आज एक लड़की के बेहद बोल्ड ऑफर ने मास्टर ब्लास्टर को बिना खेल के ही क्लीन बोल्ड कर दिया। कैमरे पर शर्म से पानी पानी सचिन। थैंक यू। कैमरे पर सचिन से मांगी गले लगने की इजाजत। कैमरे पर पहली बार लड़की के आगे सचिन बोल्ड। इस सवाल के जवाब में सचिन के मुंह से 20 सेकंड तक कुछ नहीं निकला। फैंस की नजरों में भगवान की तरह पूजे जाने वाले सचिन को आज तक किसी सिरफिरी ने खुलेआम ऐसा कुछ नहीं कहा। Let me gather back. 20 सेकंड तक सचिन की बोलती बंद। थैंक यू। पक्के ऑफर से सन हुए मास्टर। क्रिकेट हाउसफुल में आज देखिए सचिन के गले पड़ी लड़की। मास्टर शर्म से पानी पानी। I forgot my answer. Let me gather back. आईपीएल अलग है। मैं हूँ रूबिका लियाकत। सचिन तेंदुलकर पिछले 23 साल से लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। पिछले 23 साल में मास्टर ब्लास्टर ने एक से एक बढ़कर धुरंधर के जो बाउंसर्स है वो झेले हैं, लेकिन सचिन एक लड़की के बाउंसर पर गच्चा खा गए। सरेआम शर्म से सचिन को पानी पानी होना पड़ा। आखिर क्या हुआ वो पूरा का पूरा वाकया आपको दिखाते हैं। थैंक यू। You've sort of confused me now. I forgot my answer. Let me gather back now. We play for the same team. एक ही पल में सचिन पानी पानी। एक सवाल मास्टर पर पड़ा भारी। कैमरे पर गले लगाने का ऑफर लाइव। ऑफर सुनकर सचिन भूले सवाल का जवाब। थैंक यू। यू नो यू सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज मी नाउ। I forgot my answer. Let me gather back now. 20 सेकंड के बाद होश में आए सचिन। शायद इससे पहले सचिन तेंदुलकर को आपने कभी इस हाल में देखा होगा। शायद इस तरह मास्टर के होश उड़ते आपने देखे होंगे। मैदान में पिछले 23 साल से बड़े बड़े दिग्गजों को पानी पिलाने वाला सचिन एक ही पल में पानी पानी हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मास्टर ने इस तरह अपने होश खो दिए। तो देखिए किस तरह एक प्रोग्राम में सचिन से ये पूछा गया कि क्या मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करते हुए वो पॉन्टिंग के साथ स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इस सवाल का जवाब सचिन जब कुछ इस तरह से देते हुए कहते हैं कि रिकी पॉन्टिंग के साथ वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। डू यू एंड रिकी पॉन्टिंग शेयर एनी बैटिंग सीक्रेट्स? दिस हैज बीन आस्क्ड बाय रिचा भरारिया। Have I spelled? Yes, we have. Interesting question. Yes, we do. तो देखिए ठीक तभी सवाल करने वाली लड़की सचिन से गले लगाने का ऑफर करती है और सचिन उसकी उम्मीदों का सम्मान करते हुए कुछ इस तरह जवाब देते हैं।
थैंक यू। लेकिन थैंक यू के इस जवाब में ही सचिन कुछ इस तरह कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर करीब 20 सेकंड तक सब कुछ भूल जाते हैं। और फिर देखिए किस तरह सचिन एक बार फिर अपने आप को जवाब देने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन जवाब देने से पहले अपनी परेशानी बयां करना नहीं भूलते हैं। तो क्या कहेंगे इसे, है ना सचिन के सामने अब तक के करियर का सबसे बड़ा बाउंसर। भले ही सचिन एक से बढ़कर एक धुरंधर गेंदबाजों के बाउंसर झेल चुके हों, लेकिन इस लड़की के बाउंसर को मास्टर झेल नहीं पाए। मैदान में प्यार का इजहार लाइव, धोनी को भी गले लगाने का ऑफर। वैसे टीम इंडिया में बाकी क्रिकेटर्स को भी वक्त बेवक्त इस तरह के ऑफर का सामना करना पड़ा है, चाहे वो कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर जहीर खान या इरफान पठान। बांग्लादेश दौरे से पहले कोलकाता की ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। देखिए किस तरह धोनी को गले लगाने के लिए एक प्रशंसक टीम बस तक पहुंच गई और कुछ इस तरह गले मिलने की जिद करने लगी। वैसे इस तस्वीर को भी आप भूले नहीं होंगे। देखिए किस तरह मुकाबले के दौरान एक प्रशंसक जहीर से अपने प्यार का इजहार कर रही है और फिर कुछ इस तरह जहीर खान भी उसके इजहार का जवाब देते हैं। कुछ ऐसा ही हाल इरफान पठान का भी रहा है। टीम इंडिया में बतौर ऑलराउंडर अपना दम दिखा चुके इरफान लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर रहे हैं और कई बार कैमरे पर भी इरफान को सचिन की तरह ही प्यार का बाउंसर झेलना पड़ा है। वैसे इस मामले में सुरेश रैना से लेकर विराट कोहली, रविंद्र जडेजा भी कम नहीं है, लेकिन फिलहाल टीम इंडिया के सबसे सीनियर प्लेयर सचिन तेंदुलकर को प्यार के बाउंसर का सामना करना पड़ा है, वो भी खुलेआम इस तरह कैमरे पर पहली बार। जाहिर है सचिन के तो होश उड़ेंगे ही। रवि ठाकुर, न्यूज 24। अपने प्रशंसक के सवाल पर भले ही सचिन तेंदुलकर को जवाब देते नहीं बन रहा हो, लेकिन ठीक उलट सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का